Hello my dear students, welcome back to my class. Today we are going to start very interesting chapter, heredity and evolution. What do you think? What is meant by heredity? Is there any relation of this picture with the term heredity? Heredity, jisko Marathi mein kehte anuvanshikta. Why do we look like our parents? Why we have so many similarities with our siblings? It is due to heredity. So in this chapter we are going to study in details about the concept heredity. What would it be if we had four arms, or if we have two wings, or instead of two arms if we have a single eye, or what would happen if the trees have eyes, if trees can speak? What do you think? Why we are human like and not the plant like or even bread mode like? Now in this picture you can see the alien. Why we are not looking like that alien? Why we are not like trees? क्या लगता है आपको कि हम जो सब है humans जैसे ही दिखते हैं? कभी देखा है कभी trees के ऊपर eyes है, या फिर trees बोल सकते हैं, या flowers smile कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? Why we are human like? You know that humans give birth to humans, animals breed animals, and plants produces plants. Humans जो होते हैं, humans give birth to humans, animals animals के animals ही पैदा होते हैं, and plants produce new plants. In all living organisms, the basic features or traits they remain the same. अगर आप देखोगे, अगर दो trees को अगर compare करोगे, तो आप देखोगे कि trees में बहुत सारी similarities होती है, plants में similarities होती है. Even human being, the organisms which are belonging to same species have the similarity. There is an absolute order in the design of organisms belonging to the different species. The formation of the bodies of living organisms is based on the instructions inherent in the biomolecules called as DNA. हम लोग अपने parents के जैसे क्यों दिखते हैं, या फिर सभी जो ह्यूमन बीइंग्स है इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है सिमिलर क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ डीएनए. डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. इट गिव्स द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नाउ सी, डीएनए इज कंटेंट विद इन द क्रोमोसोम ऑफ द सेल. यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर. सी, सेल इज वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर. सेल के अंदर बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और ये जो क्रोमोसोम का ही पार्ट होता है डीएनए. डीएनए का मेन रोल देखो क्या है. इट गिव्स द स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इट इज कंटेंट विद इन द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल. ए जीन, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी एंड इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. जो डीएनए आप सेगमेंट देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो जीन. देखो यूनिट ऑफ हेरिडिटी क्वेश्चन पूछा जाता है. अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यू विल राइट जीन. इज द स्पेलिंग ऑफ जीन जी ई एन ई, नॉट जे ई ए एन एस. कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्पेलिंग लिखते हैं जे ई ए एन एस. इट इज टोटली रॉन्ग. हमें जीन का स्पेलिंग यहाँ पे चाहिए जी ई एन ई, जीन. अभी देखो हेरिडिटी, हेरिडिटी देखो क्या है. इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो किड्स है, दिस किड्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द हेरिडिटी. व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इन ए स्पीसीज. डिस्पाइट the similarities among the members of the same species, there are noticeable variations. अभी अगर आप नोटिस करोगे कि एक क्लास में अभी सारे ह्यूमन बींग्स है, सेम एज ग्रुप के आप लोग हो, लेकिन हर कोई यूनिक है, सब लोग अलग अलग दिखते हैं. क्या लगता है आपको? यू नो दैट नो टू ह्यूमन बींग्स एक्सेप्ट आइडेंटिकल ट्विन्स आर एग्जैक्टली अलाइक. अगर सगे भाई बहन भी है तो भी वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं. अभी यहाँ पे मैंने पिक्चर शेयर किया है, देखो ये आइडेंटिकल ट्विन्स है. आइडेंटिकल ट्विन्स ही होते हैं जो एकदम लुक अलाइक होते हैं.
Even in case of identical twins also, they may vary in certain aspects. While the information in DNA is highly conserved, it does get altered from time to time due to various reasons. This alteration in DNA, it brings about variations in organisms belonging to the same species. DNA जब पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, सो इट्स कॉपीज आर मेड. तो ये जो डीएनए की कॉपीज जो बनते हैं, तो उसमें अगर अल्टरेशन हुआ तो इट रिजल्ट्स इन वेरिएशन. अल्टरेशन इन डीएनए ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन. जैसे देखो, आप स्टडी करते हो, जो बुक में दिया है सबके पास बुक सेम होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आपको कोई आंसर लिखना होता है तो सबके आंसर अलग अलग आते हैं. अभी क्यों आते हैं अलग? बुक सेम है तो आंसर भी वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जब आप बुक से आंसर नोटबुक में कॉपी करते हो तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन आता है. द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. जेनेटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ द जीन्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द accumulation of variations during reproduction. Why do variations occur in organisms of the same species? Do you know, whenever a cell divides, DNA first makes a copy of itself so that each of the DNA can be passed on to the two daughter nuclei. जब भी cell division होना होता है ना, तो क्या होता है कि DNA खुद की पहले copy बनाता है and then it can be passed to the two daughter nuclei. At times during DNA copying an error might occur. अभी आप यहाँ पे DNA का structure देख रहे हो. अभी ये जो DNA copying mechanism है 100% accurate नहीं होता है, इसमें errors होते हैं. छोटा सा भी mistake हुआ तो क्या होता है, उससे variation होता है. See, the errors in the DNA copying mechanism are one of the reasons for variations in the genetic material. अगर ये DNA copying same to same नहीं हुआ तो क्या होता है कि variation होते हैं. अपने आपको अपने पेरेंट्स से कंपेयर करो, आप नोटिस करोगे कि ठीक है आप सिमिलर दिखते हो, लेकिन 100% अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं हो. क्यों? क्योंकि जब डीएनए कॉपी होता है तब उसमें वेरिएशंस होते हैं. नाउ दिस वेरिएशंस कैन बी यूजफुल और हार्मफुल. समटाइम्स म्यूटेशंस मे टेक प्लेस, दीज आर ऑल्सो कॉज फॉर वेरिएशंस. म्यूटेशन इज ए परमानेंट चेंज इन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए brought about by physical, chemical or biological factors. Radiations like x-rays, gamma rays, etc. They can also permanently damage the DNA. Even nicotine in tobacco, it is also responsible for causing variation. Variation, देखो किसको कहते हैं? Differences occurring between parents and their progeny and among siblings. It is called as variation. आप में और आपके पेरेंट्स में जो थोड़े बहुत डिफरेंस है, या फिर आपके सिबलिंग्स में जो डिफरेंसेस है, दीज आर कॉल्ड एज वेरिएशंस. अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे वेरिएशंस है. नाउ ओनली दोज वेरिएशंस आर हेरिटेबल विच अराइज इन द जर्म सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जर्म सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो वेरिएशंस होते हैं वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं. इट इज ईदर ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन क्रोमोसोम्स फॉर्मिंग द स्पेसीज और ड्यू टू म्यूटेशंस. अभी आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो, वेरिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स विथ ईच जनरेशन. हियर ऑल्सो यू कैन सी द वेरिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स विथ ईच जनरेशन. अभी जो वेरिएशंस है दो टाइप के हैं, यूजफुल है और हार्मफुल है. जनरली जो यूजफुल वेरिएशंस है वही नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं, तो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं जिनमें यूजफुल वेरिएशंस है. अगर हार्मफुल वेरिएशंस है देन दिस इंडिविजुअल्स डाई, सो दिस आर नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशंस. नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस. क्या लगता है आपको क्यों होना चाहिए वेरिएशन? देखो, फर्स्ट रीजन तो ये है कि वेरिएशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स सर्वाइव बेटर इन देयर एनवायरमेंट. अगर वेरिएशन होता है, अगर हम खुद को बदलने के लिए रेडी है, तभी तो हम भी सर्वाइव कर सकते हैं. देखो, कभी सोचा था आप लोगों ने कि आप घर बैठ के पढ़ोगे, टीचर्स आपको मोबाइल से पढ़ाएंगे या लैपटॉप से पढ़ाएंगे? कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब ये चेंज हुआ है. तो अभी जो बच्चे इसको एडॉप्ट कर चुके हैं, दे कैन स्टडी इजीली. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन.
Variations help individuals survive better in their environment. Next importance of variation is when a species survives and reproduces, the population also survives. जिसमें variation आता है वही species आगे बढ़ सकती है. अगर कोई variation नहीं करेगा, अगर आपने अभी कहा कि मोबाइल तो बहुत बुरा होता है, आंखों पे असर होता है, हम मोबाइल को टच भी नहीं करेंगे या फिर लैपटॉप टीवी को टच भी नहीं करेंगे, बताओ आप सर्वाइव कर पाओगे इस कंपटीशन में? मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि आप फिर टीचर्स के लेक्चर्स आप अटेंड ही नहीं कर पाओगे. दैट मीन्स वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ. हियर यू कैन सी द वेरिएशन इन रैबिट, स्मॉल रैबिट, मीडियम रैबिट, लार्ज रैबिट. हियर ऑल्सो यू कैन सी द वेरिएशन इन द बटरफ्लाइज, द कलरफुल अट्रैक्टिव बटरफ्लाइज. नाउ दिस इज द इमेज ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडेल. He is also known as the father of genetics because he worked with the garden peas or Poisson sativum for several years, and he performed so many experiments involving huge data collection, sampling of plants, mathematical verifications, etc. So he conducted several crosses in pea plants and reached certain conclusions. Now we call these laws as the Mendel's laws of inheritance. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ मेंडेल्स पी प्लांट्स हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स. सो सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो विद अ डिस्कशन अबाउट द मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. थैंक यू.